हेलो, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल शलगम का अचार। वो भी पंजाबी स्टाइल में मीठा अचार बनाना आपको बता रही हूँ। गाजर, मूली और आप उसका इकट्ठा तो बनाते ही होंगे, शलगम का और गोभी का, लेकिन मैं खाली शलगम का अचार आपको बनाना बता रही हूँ। वो बड़े इजीली बन जाता है और आप इसको 1 महीना तक यूज़ करके ख़त्म करके फिर दोबारा से इंस्टेंट बना सकते हैं और ये खाने में बड़ा टेस्टी और बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए और इस प्रकार, ये देखिए मैंने आधा किलो ये लिए थे शलगम। इनको धोकर अच्छी तरह से धो के गोल गोल काट लिया। आप इसको आधा आधा भी काट सकते हैं, जिस मर्जी शेप में काट लीजिए आप। इसको ने कोई उबालना नहीं है, कोई सुखाना नहीं है, जस्ट इसको हम काट के छील के और ऐसे रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 15 से 20 चवे लहसुन के। ये देखिए, मैंने छील के दो दो पीस कर लिए, एक लहसुन के दो पीस कर लिए। और इसके अलावा चाहिए 100 ग्राम हमें गुड़ चाहिए, और मसाला में सौंफ चाहिए 2 बड़े चम्मच, एक छोटा चम्मच मेथी दाना और एक छोटा चम्मच ही हमें चाहिए राई, और हल्दी आधा छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, 2 टेबल स्पून नमक चाहिए। नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा थोड़े से लौंग, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी और सरसों का तेल हमें चाहिए। सबसे पहले हम ये 3 मसाले हैं जो हमारे पास, सौंफ, मेथी और राई को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें पहले डालेंगे ये राई 1 चम्मच, ये हमारे पास 2 चम्मच सौंफ है, ये डालेंगे। इसको जस्ट थोड़ा सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, और ये मेथी डालना है 1 बड़े चम्मच। इसको थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकल जाए बस, और इसमें फ्लेवर सा आ जाता है भूनने से, इसका ये फायदा होता है। राई तड़कने ऐसी लग गई है, अब हम इसको गैस को स्लो करके इसको उतार लेते हैं। 1 मिनट इसको भून लिया और फिर कढ़ाई इसमें रख देते हैं, गैस तेज़ कर देते हैं। अब इसमें लगभग हम 2 बड़े टेबल स्पून के लगभग तेल सरसों का डालेंगे। तेल को धुआं उठने तक गरम करेंगे। हमारा गरम हो चुका है काफी, इसमें धुआं तक उठ गया, तो अब हम गैस को थोड़ा स्लो करेंगे और ये जो हमारे पास 15 से 20 जवे लहसुन के, ये डाल देंगे। ये दालचीनी का टुकड़ा है, 1 मोटी इलायची और 4 से 5 लौंग है, ये भी हम डालें। लहसुन थोड़ा सा गुलाबी सा हो जाए, लाल नहीं करना बिल्कुल, जस्ट इसका कच्चापन निकल जाए और फ्लेवर आ जाए। आँच धीमी ही रखेंगे हम। और ये जो मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए, अब ये पक से गए, अब जो हमारे पास ये शलगम है ये इसमें डाल देंगे। बस इसको 1 मिनट हम इसको पका लेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पकाना, इसकी सब्जी नहीं बन रही, हम इसको अचार बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा तेज कर देते ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। लहसुन कर दिया, अब इसमें खाली जगह करके हम इसमें जो हमारे पास गुड़ है वो भी डाल देंगे। तेल गर्म है और गुड़ हमारा पिघल जाएगा। और जो हमारे पास साबुत मसाले हैं जो हमने रोस्ट करे थे वो भी डाल देंगे, और ये हल्दी मिर्च और नमक भी डालते हैं। इनको चला देंगे,
हमारा गुड़ पिघल जाता है तो हम गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ पिघल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, 2 चम्मच बड़े वाले सिरका डाल देंगे। तेल डालने की जरूरत नहीं है, बस जिसमें हमने बोला वही हम तेल डालेंगे। आप इसका कलर देख सकते कितना अच्छा है। और गैस बंद कर देते मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको डिश आउट कर दिया, जब ये ठंडा हो जाए तो आप किसी कांच के जार में या मर्तबान में भर के रख सकते हैं। ये 1-2 दिन धूप में रखेंगे तो खाने लायक हो जाता है और बड़ा टेस्टी अचार है। खट्टा मीठा अचार बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मतलब इंस्टेंट अचार है और ये ज़्यादा लंबे समय तक ना भी रखना चाहे तो महीने में 1 से 2 बार आप आराम से बना सकते हैं। झटपट सब्जी की तरह बन जाता है। ये देखिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।